क्या आपके रिश्तों में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? अच्छा प्यारा सा रिश्ता चलते चलते अचानक से नो कांटेक्ट में आ गया है। सो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। सो क्या है आपके कनेक्शन की सच्चाई? क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो? उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शफलिंग स्टार्ट करूँ, उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? ओके, सो क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और हम उनको रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। सो शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम अपने दिल में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, चलिए जानते हैं। पहले लेंगे हम कुछ आपकी एनर्जीज, फिर हम लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, फिर देखेंगे क्या रहा है फाइनल आउटकम। ओके, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स नहीं करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो चलिए प्रेयर के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। सो कुछ एनर्जीज पहले आपकी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है एम्परर का कार्ड। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली सबसे पहले यहाँ निकल करके आ गई है एरीज मेष राशि। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जीज आ रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो पेंटिकल्स के ही कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि। एट ऑफ स्वॉर्ड जेमिनाई लीब्रा अक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। सो ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज एंड टेन ऑफ कप्स आया है लास्ट में। ओके, सो अब हम निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, फिर रीड करेंगे सारे कार्ड्स को। ओके, सो चलिए आपकी पार्टनर की एनर्जीज भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो अभी इनके बारे में। ओके, चलिए द चैरियट का कार्ड फर्स्ट आया है। ओके, सो कैंसर कर्क राशि प्रोमिनेंटली आई है। पेज ऑफ कप्स, नाइस। सिक्स ऑफ वॉन्ड एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। किंग ऑफ वॉन्ड, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड का देख लेते हैं क्या आया है कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं? देखो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पहुंच से दूर ज़रूर है, ईगो में है, गुस्से में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार उनके लिए कम नहीं हो रहा है। सो दूरियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके दिल में आपके पार्टनर को लेकर के बहुत प्यार है। देखिए आप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये पर्सन बहुत मायने रखता है ये पर्सन आपके लिए। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद भी यहाँ पर ईगो में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पहले आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और अब आपने ब्लॉक कर दिया हो।
एंड यहाँ पर आपकी, देखो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ऐसी आपको धोखा दे दिया है आपकी लाइफ में, कि आपके इमोशंस भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपको इस कनेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो डरा रही है, जो आप प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकता है आप दोनों में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो, या फिर कुछ कास्ट इश्यूज हो, या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज आती चली जा रही हैं या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट आया है, शेकिंग मोमेंट ज़रूर आया है, जब आपकी लाइफ में चीज़ें बिखर गई हैं, बदल गई हैं सारी। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी, ये सब इश्यूज़ आने के बावजूद भी आप ज़रूर लॉयल बने हुए हो यहाँ पर। आप एक ज़रूर चाहते हो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। आप चाहते हो कि वापस से आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो जाए, और जो भी आप दोनों ने सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे हों। अगर ऐसा है तो रीयूनियन ज़रूर आप लोग क्लेम कीजिएगा। आप दोनों की जो ये जर्नी है, ये मुश्किल ज़रूर है, प्रॉब्लम में ज़रूर है, ऑब्स्टिकल्स भी आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना आप लोग आराम से कर जाते हो। एंड देखो इसके जो भी कुछ चल रहा है ना, उसके बावजूद भी अगर आप लोग कनेक्टेड हो, प्यार में हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ अगर आप मिस कर रहे हो, राइट, तो डेफिनेटली बात यही है कि आप दोनों एक दूसरे को रिप्लेस तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर वो ये सोचे कि आपकी जगह किसी और को देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, और आप भी सेम सोचोगे तो आप भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे। प्रेजेंटली तो आप लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ओके। सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप दोनों कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। आपको एक रिश्ता जो आप दोनों के बीच में है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देता है, एक पॉजिटिविटी फील भी कराता है, ठीक है। आप चाहे जितने भी परेशान हो, जितने भी आप डिप्रेशन में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये ज़रूर पता है कि आपका पार्टनर ज़रूर एक ना दिन खुशियाँ आपको वापस लौट आएगा, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही हैं। पार्टनर भी अभी आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के दिमाग में, दिलो दिमाग में आप ही आप अभी छाए हुए हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, और आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक स्टार भी हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग स्टार हो सकते हैं। स्टार का मतलब कोई पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आप लोग हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा, आप किसी पोस्ट पर हो जहाँ पर लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, या आपके आसपास रहते हैं, या फिर आप इस तरीके के इंसान हो जिसको एक ऐसे ऐसा एनवायरनमेंट पसंद है जहाँ पर लोग आपके आसपास घूमते रहते हो। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का एहसास है कि आप बहुत ही अपनी लाइफ में सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले इंसान में से हो। अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। फाइनल पे भी अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते, अप्स एंड डाउन्स के चलते हुए भी आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 of Cups सोच रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं 10 of Pentacles सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आप दोनों के सपने हैं, आप दोनों का साथ रहने का जो एक सपना है, या फिर आप दोनों का साथ में आगे ज़िंदगी बिताने का जो सपना है, वो बहुत जल्द यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। बट इशू क्या है, एक ही चीज़ है यहाँ पर कि आपको लगातार एफर्ट्स डालते रहने हैं, आपको लगातार बातें करते रहनी है, आपको यहाँ पर अपनी मुश्किलों का सामना करते रहना पड़ेगा, ओके। रिजल्ट डेफिनेटली यूनिवर्स पर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूनिवर्स को अच्छे तरीके से, या सारी कुछ आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर देंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप धीरे धीरे करके आने लग जाएगी, ओके। लेकिन जब हम सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो बर्डन हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ओके। आपको यूनिवर्स पे पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस से लौटा करके लेकर आएगी। मैनिफेस्टेशंस करते रहिए,
जितना मैनिफेस्टेशंस करेंगे उतना ही आपकी विशेस कम ट्रू होती हुई चली जाएंगी। सो आपका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार का समय जो जा रहा है आप लोगों का वो ही थोड़ा सा मुश्किल समय है। ओके, लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहेंगे, जिनकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, उनकी लाइफ में जीत ज़रूर से ज़रूर होने वाली है। एट ऑफ स्वॉर्ड, सो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइनल आउटकम में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये यही दिखा रहा है कि अभी तो फ़िलहाल तो इस कंडीशन में वो है, इस जगह पे या इस सिचुएशन में वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ से अभी फ़िलहाल उनके लिए निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल दो वो निकल के आना चाहते हैं, आपके पास वापस भाग करके आना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर वो कहीं ना कहीं आपका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए निकले थे या आपसे कोई बेटर ऑप्शन ढूंढने के लिए निकले थे, तो वो तो उनको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो आपकी तरफ वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ज़रूर है, जिसकी वजह से ये अभी स्टक हैं, बंधे हुए हैं, चाहकर भी अभी फ़िलहाल निकल नहीं पा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि अगेन यही बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। ठीक है, फाइनली यही चीज़ है कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी पर हर हार के बाद जीत ज़रूर होती है। ठीक है, सो आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ओके, जर्नी, ये रास्ता, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फाइनली जो आप चाहते हो वैसा ज़रूर होगा। ठीक है, और जो आप चाहते हो वो होकर ही रहेगा। राइट, जो चीज़ आ रही है वो ये कि आपको उदास नहीं होना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना उदास होना है, ना डिप्रेस होना है, ना किसी ऐसे बहाव में आपको बह जाना है जहाँ पर बाद में आपको पछतावा हो। राइट, सो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि यही कह रहा है कि थोड़ी सी मुश्किलें हैं, मुश्किलों के ख़त्म होते ही आप दोनों की ज़िंदगी में आप दोनों एक ज़रूर होंगे। ठीक है, या फिर आप दोनों की जो जर्नी आप साथ देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो आगे जा कर के ज़रूर आप दोनों को मिलने वाली है। ओके, सो रिज़ल्ट का रिज़ल्ट यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, है ना, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी ही तरफ है। सो डेस्टिनी पर भरोसा रखिए। राइट, सो जो भी आपकी डेस्टिनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको फेथ ज़रूर बना करके रखना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। हो सकता है कि आप अपने दिल की बात दिल में ही रखते हो। ओके, इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हाई प्रिस्टेस, देखो आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल की बात दिल में रखते हो और आपके पार्टनर भी चीज़ें ये करते हैं। सो सबसे पहले तो यही बात है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे की बातें शेयर नहीं करेंगे, तो ये जो एक गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो कैसे भरेगा। सो ज़रूरी है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसलिए जो भी आप दोनों बात करें बिल्कुल क्लियर बात कीजिएगा। डेफिनेटली अभी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में रोमांस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। एक दूसरे की गलतियों और इम्परफेक्शन को माफ़ करना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो जो भी कुछ आप दोनों में फ्लॉज हैं, कोई गलतियां हैं आप दोनों में, तो वो कहीं ना कहीं आप सुधार कर लेंगे, आपके पार्टनर भी उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, तो रिश्ता ज़रूर आगे बहुत अच्छे से चलने वाला है। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।